हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सुब्रा फातिमा, अ निफ्ट एल्यूमिनाई एंड योर डिजाइन मेंटर। गाइस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने कभी अपने व्हाट्सएप की स्क्रीन को ध्यान से देखा है, या फिर अपने फेसबुक पेज को, सिमिलरली क्या आपने इंस्टाग्राम पेज को ध्यान से देखा है, जब आप उसे स्क्रॉल करते हैं तो क्या क्या आइकन आपको देखने को मिलते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब आपका येस है तो गाइस मेक श्योर, क्योंकि अगर मैं आपसे अभी यहाँ पूछूँ कि आपको ड्रॉ करना है व्हाट्सएप स्क्रीन, द प्रोसेस, हाउ डू यू चेंज द DP फॉर योर व्हाट्सएप प्रोफाइल, तो क्या आप कर पाएंगे? आर यू श्योर आपने वो सारे प्रोसेस ध्यान से देखे हैं? हम एक दिन में 100 बार अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल को देखते हैं, हम 100 बार व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम को करते हैं, फेसबुक को करते हैं, लेकिन अगर हमें उसे ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए, उसके लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम में से कितने लोग ही ऐसे होंगे जो उसे ड्रॉ कर पाएंगे या उसके एग्जैक्ट कलर्स को याद रख पाएंगे? सिमिलरली एग्जाम्स की बात करूँ अगर, तो एंट्रेंस एग्जाम्स में बीट NID, बीट UCET और NIFT, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, जो कि लोगो डिजाइन से होता है, कि यू हैव टू यू नो एक्सप्लेन, यू हैव टू ड्रॉ द 4 स्टेप्स इन विच यू चेंज द DP, द डिस्प्ले पिक्चर ऑफ योर इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप। तो क्या हम इतने ज़्यादा इक्विप्ड हैं इस प्रोसेस से? क्या हम इतने ज़्यादा श्योर है कि हम ये सारे प्रोसेस उन 4 यू नो स्टेप्स में कवर कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे और ये दिखा पाएंगे कि हम कैसे अपना डिस्प्ले पिक्चर या फिर कैसे हम इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप को एसेस करते हैं? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई भी फेवरेट ब्रांड की चॉकलेट, ओके, उसको आप ड्रॉ कर बताइए, उसकी पैकेजिंग को आप ड्रॉ करके बताइए कि उसमें ट्रेडमार्क कहाँ होता है, जिस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है उसका नाम कहाँ होता है, उसका लोगो कहाँ पर आता है, राइट, उसका स्लोगन या टैगलाइन कहाँ पे लिखी हुई होती है, उसमें ये साइन कि इज़ इट वेज और नॉन वेज, ये कैटेगरी कहाँ पर ड्रॉन होती है। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आंसर नो होगा। ये तभी होता है गाइस जब हम चीज़ों को देखते हैं पर उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। सी, हेयर इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन सीइंग अ थिंग्स एंड ऑब्जर्विंग द सेम थिंग, एंड फ्रॉम अ डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप, ओके, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट यू नो स्किल दैट अ डिज़ाइनर ईच एंड एवरी डिज़ाइनर शुड पजेस। तो गाइस, हमारी जनरेशन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम एक दिन में 100 से ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। हम जब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है इंस्टाग्राम रील। व्हेन यू गो थ्रू अ फर्स्ट रील, यू कीप स्क्रॉलिंग इट आउट, राइट? तो हम एक दिन में 100 से ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, पर दिक्कत कहाँ आती है कि हमारा दिमाग कितनी चीज़ों को रिटेन कर पाता है। हम देखते तो बहुत सारी चीज़ें, पर हमारा दिमाग इतनी सारी चीज़ों को रिटेन एक बार में नहीं कर पाता। यहीं पर सबसे बड़ा गेम है एक डिज़ाइनर के लिए, ऑब्जर्वेशन, और कितनी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करके रिटेन कर पा रहा है अपने दिमाग में। यहीं पर एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है डिज़ाइनर और नॉन डिज़ाइनर के बीच में। तो गाइज, आपके लिए आज की सबसे बड़ी टिप ये है कि आप एक दिन में 100 से ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, तो उसमें से कोशिश कीजिए अपनी सराउंडिंग में कि उनमें से कोई 10 चीज़ें, ओके, आप ऐसी देखें, उन्हें ड्रॉ करें ताकि आप उन्हें रिटेन कर पाएँ। आई एम श्योर यू मस्ट बी गोइंग आउट यू नो टू विजिट अ फेयर और टू विजिट यू नो सम योर रिलेटिव, टू विजिट अ पार्क, राइट, और अ लाइब्रेरी। वेन एवर यू गो आउट, मेक श्योर टू ड्रॉ ऑल दीज थिंग्स, राइट, बिकॉज वेन यू ड्रॉ इट, आपके दिमाग से जब वो चीज़ें आपके पेपर पे जाती हैं, ओके, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक तरीके से स्कैन हो जाती हैं, ओके, और एग्ज़ाम में जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहती है तो आपको वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा इशू आता है बच्चों को, टाइम मैनेजमेंट का। वो भी तभी सॉल्व हो सकता है गाइस जब हम प्रैक्टिस करते रहें। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं एक दिन में, 100 से ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, उसमें से 10 चीज़ों को कम से कम ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये टास्क है आज आपका सबसे बड़ा। आज आप कोई भी 10 चीज़ें जो आपने देखी हैं, उनमें से कोई भी 10 चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ओके, बीट ह्यूमन फिगर, बीट रैंडम प्रोडक्ट, बीट अ फैन, ओके, एनीथिंग दैट यू वांट, ओके। नाउ गाइस, देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज लिस्टेड इन योर ऑफिशियल सिलेबस, राइट, विच इज़ प्रोवाइडेड बाई NID, NIFT। यहाँ पर सबसे बड़ा जो सरप्राइज होता है वो होता है टॉपिक के साथ। यू नेवर नो कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, राइट? इट कैन ऑल्सो हैपन कि कोई नई कैटेगरी आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, एड ऑन हो जाए और उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो गाइस, आप जो भी क्वेश्चन पेपर देखते हो, वो सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके, उन्हें ऑब्जर्व करके ही उनमें से बनाए जाते हैं।
मतलब कि किसी को भी यहाँ पर नहीं पता कि कंप्लीट सिलेबस क्या है. यू नो सम टॉपिक दैट इज गिवन बाय ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम निफ्ट और एनआईडी बट नॉट द स्पेसिफिक टॉपिक. तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो अपना सकते हैं वो है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फिर उन्हें एनालाइज करें. नाउ गाइज हेयर कम्स टू थिंग्स. फ्रॉम ऑब्जर्वेशन कम्स विजुअलाइजेशन एंड एनालाइजेशन. हमने चीज़ों को ऑब्जर्व तो कर लिया पर हमने उनको एनालाइज नहीं किया. एनालाइज जब तक हम नहीं करेंगे हमें फाइनल आउटकम नहीं मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिज़ाइन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती है. फॉर एग्जांपल हैव यू एवर यू नो वंडर्ड व्हाई वोल्टा सैमसंग हैव ब्लू कलर इन देयर लोगोस एंड व्हाई मैकडोनल्ड्स एंड मैगी हैव रेड और येलो कलर इन देयर लोगो. हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाई यू नो फैन हैव थ्री विंग्स और फोर विंग्स and why the diameter of a pencil is same for child and for elderly people both. These are the things that you should observe and visualize and should come for the outcome. यहाँ पर यही फ़र्क है डिज़ाइनर और नॉन डिज़ाइनर के बीच में. एक डिज़ाइनर चीज़ों को परखता है, उनको विजुअलाइज करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर किसी एनालाइजेशन पर आता है और उसका फाइनल आउटकम निकालता है. वो अपनी रिसर्च करता है. I remember I used to always observe my mother when she was working in a kitchen. I used to observe how she is dealing with the utensils, what sort of problem she is facing with the utensils or the product or the utility product that she is dealing with every day to day life. And I used to research on it. I used to just go to the Google research papers and used to search the products that are you know available or what sort of you know research are going on these sort of utility products. क्या स्कोप है इम्प्रूवमेंट का इन प्रोडक्ट्स में, इसको और कैसे यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सकता है, मैं ये जानने की कोशिश करती थी. ओके तो रिसर्च एक बहुत बड़ा टूल है, विजुअलाइजेशन ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी डिज़ाइनर के लिए. द अनदर थिंग इज़ दैट गाइस यू शुड बी सोशली अवेयर एंड यू शुड नो अबाउट व्हाट आर द ग्लोबल इश्यूज दैट आर यू नो करेंटली रनिंग ऑन. लाइक यू शुड ऑलवेज बी यू नो अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव. For example, government initiative like Beti Bachao, Beti Padhao. You should know the logo, the slogan of these type of logo. Another thing that you can do is you can visit the official website for the government initiative and you can look onto it and then keep drawing it, okay? जब आप इन logos को draw करना सीखोगे और इनकी kissing करते रहोगे तो आपको इनके slogans याद हो जाएंगे. जब आप aware रहोगे कि कौन कौन से global issue अभी present में चल रहे हैं तो exams में अगर इस type के question आएंगे कि you have to draw a poster तो आप बाकी बच्चों से वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं. ओके ये जो डिज़ाइन अवेयरनेस होगी आपके अंदर ये आपके सिलेक्शन को और इंक्रीज कर देगी. द सेकेंड मंत्रा इज क्रिएटिविटी. आई एम श्योर इट इज़ वेरी ऑब्वियस राइट व्हेन वी ऑल टॉक अबाउट क्रिएटिविटी बिकॉज क्रिएटिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिज़ाइनर. ओके क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हाउ वेल यू डेकोरेट, हाउ वेल यू नो हाउ वेल एस्थेटिकली प्लीजिंग यू मेक योर ड्रॉइंग, बट क्रिएटिविटी मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. जी हाँ, जब मैं बात करती हूँ क्रिएटिविटी की तो 90% स्टूडेंट्स का यही कहना है कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है एस्थेटिक्स. पर डिज़ाइनर का सबसे बड़ा टूल तो सॉल्यूशन होता है और क्रिएटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के, जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. एग्जाम्स में जूरी मेम्बर्स हमेशा ये देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर मतलब अपनी प्रॉब्लम स्किल का इस्तेमाल कर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं और क्या सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं. सो गाइस रेनी सीजन में टू व्हीकल राइडर को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि वो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे. तो गाइस हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि उसके हैंडल में ही एक होल्डर हो जिससे उसका अम्ब्रेला अटैच हो जाए या होल्ड हो जाए. सिमिलरली आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो अम्ब्रेला मैनुफैक्चर कैसे होगा, आपको सिर्फ यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि उसका डिज़ाइन प्रोसेस क्या होगा और आप कैसे उस व्हीकल और उस अम्ब्रेला के डिज़ाइन को स्टडी कर सकते हैं. हो सकता है इस पे ऑलरेडी रिसर्च पेपर अवेलेबल हो, आप जिन्हें पढ़ें लेकिन उनके ज़रिए कोई सॉल्यूशन ना मिल पाया हो, लेकिन हम अपनी रिसर्च के ज़रिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक आ सकते हैं. क्रिएटिविटी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि हाउ वेल यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड यू डिफाइंड इट, यू केम विद अ प्रॉब्लम सॉर्ट, यू केम विद अ सॉर्ट ऑफ यू नो स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन यू स्टार्ट विद द आइडिएशन और द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट. कितने अच्छे तरीके से आप उसे आइडिएट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और उसमें से फीजिबल आइडिया निकालते हैं जो आपके फाइनल प्रोडक्ट में एप्लीकेबल होता है. और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी रिसर्च जारी रखें.
हम प्रीवियस डिज़ाइनर को स्टडी करें, हम उनके पेपर्स को पढ़ें और अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखें। सो गाइस, अगर आप ये मंत्र क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं ये स्किल मास्टर कर लेंगे तो आप एक स्टेप और क्लोजर हो जाएंगे टुवर्ड्स योर ड्रीम डिज़ाइन कॉलेज। गाइस, जो लास्ट और जो थर्ड मंत्र है वो है स्किल्ड स्टूडेंट और स्किल्ड डिज़ाइन एस्पिरेंट। चलिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेनेवर यू गो टू गिव अ एग्ज़ाम, राइट, व्हेनेवर यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होते हैं और अपनी ड्राइंग्स कर रहे होते हैं तो हमेशा आप पहले उन्हें विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो एंड देन यू गो फॉर द आइडिएटिंग एंड द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट, राइट। तो उस टाइम जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग या आइडिएशन कर रहे होते हैं या जो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं उस पर्टिकुलर डिज़ाइन की सॉल्यूशन निकालने के लिए या उस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, राइट, रीडिज़ाइन करने के लिए, वो आपको पेपर पे दिखाना होता है। हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता एक एस्पिरेंट के लिए कि वो सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में है वो पेपर पर हूबहू कॉपी करते। So guys, sketching is not a talent. It is not like that you are born it with, but it can only be attained through regular practice, right? So guys, design में हमेशा ये बोला जाता है कि jury members आपसे क्या expect कर रहे होंगे। Skilled, जब मैं skilled mantra की बात करती हूँ तो उसमें मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हम skilled तभी हो सकते हैं जब हम daily practice करते रहें, right? हम वो किन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो मटेरियल हैंडलिंग योर ड्राइंग स्किल्स स्केचिंग की बात कर रहे हैं और वो तभी अटेन होगी जो प्रैक्टिस, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे। बिलीव मी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट सेज कि मैम आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग और आई एम नॉट गुड एट स्केचिंग आउट, बट इट इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट बॉर्न विद इट, राइट, इट कम्स टोटली विद द प्रैक्टिस। As you keep practicing, you keep refining your ideation, brainstorming, and also your sketching path. So guys, here I would suggest you to keep practicing for the sketching and the drawing for minimum 2 hours daily, right? If you will keep practicing 2 hours daily, then believe me, it will one day a time will come when all this work will look like a magic, where your hand and your brain will work together and you will be able to draw or sketch in a time, okay? The time management won't be an issue for you anymore. While practicing, keep 2 things in mind. First, line for the drawing, and also the second thing is the idea. How well you are, you know, communicating, how well you are writing, how well you are ideating or brainstorming, right? And how well it is coming out. So guys, जब भी आप किसी चीज़ को या प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं या विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा पहला स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट होता है, जिसमें आप कई सारे वर्ड्स जो भी आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पता है उनको आप एक प्लेस पे लिख लो, राइट, और उसमें से सेग्रीग्रेट करना स्टार्ट करो ऐसे आइडियाज़ जो आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स हों या फीजिबल हों। हमें हमेशा एग्जाम में ऐसा बोला जाता है कि हमारे आइडियाज़ दूसरे बच्चों के आइडियाज से अलग होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होने चाहिए, तभी वो इंक्रीज़ करेंगे हमारे सिलेक्शन को, राइट, हमारा चांसेस जो होगा सिलेक्शन का वो इंक्रीज़ हो सकता है ओनली व्हेन वी विल कम विद द आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, एंड इट कैन ओनली कम थ्रू व्हेन यू विल कीप प्रैक्टिसिंग योर आर्ट वर्क एंड यू विल कीप प्रैक्टिसिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट, आइडिएशन पार्ट। आप एक डायरी मेंटेन कर लो जिसमें जब भी आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो या विजुअलाइज़ किया हो आप उसको एक जगह लिखो, उसमें से देखो कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, राइट, जो अलग है, जो कि कॉमन नहीं है, उन कॉमन आइडियाज़ को अलग पेज पे लिखा करो और जो आइडियाज़ नए आइडियाज़ आपको आए हैं उन कॉमन आइडियाज़ से उनको एक अलग पेज पे लिखा करो एंड देन कंपेयर इट। फिर उन आइडियाज़ को फिल्टर करके जो फाइनल आइडियाज़ होते हैं वो आइडियाज़ हमारे प्रोडक्ट के लिए फीजिबल आइडियाज़ कहलाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द वे यू शुड गो थ्रू। सो गाइस, इन द एग्जाम द जूरी मेंबर्स आर नॉट लुकिंग फॉर एन आर्टिस्ट बट दे आर लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर। थैंक यू, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।